आज मैं एक साझा ब्लॉग करने जा रहा हूँ जो कि कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर के साथ में होगा। इस ब्लॉग में हम समझेंगे साइंस ट्रूथ ह्यूमनिटी का महत्व। यमले जी, ये ब्लॉग बड़ा अच्छा समय में है। हम सरगुजा के बेल्ट से बिलासपुर के तरफ आगे रायपुर के तरफ जा रहे हैं। कितने सीरीन और डेंस फॉरेस्ट है, अभी तक के ये डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, और इतनी धूप काला होने के बावजूद भी बड़ी ठंडक है और बड़ी शांति है ये बेल्ट में। ये नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है इंसान को। देखिए यमले जी, बड़े अच्छे स्पॉट पर हम हैं। ट्राइबल कल्चर और हिस्ट्री की बात आई तो हासदेव बांगो, ये नदी जो है, आपको हासदेव बांगो जो नदी है ये आ गई है, और हासदेव बांगो ये नेम भी ट्राइबल है। ये इसका वीडियो आप दिखाएं, बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। आप जो थोड़ा आगे लेके जो है हमारे ड्राइवर, इधर का भी अच्छा दिख रहा है। नहीं अभी पर इसमें, हाँ दूर में देखना पड़ेगा आपको। आप चाहे तो खिड़की से जो है थोड़ा सा वो देखिए, आप देखिए कैसा ग्रीन पानी आपको दिखेगा बिल्कुल। कॉस्मोस में क्या है और दुनिया में क्या है, देखिए सबसे पहली बात जो है हमको इसको समझना होगा कि सृष्टि जो है वो अनेक नियमों से चलती है, और ये सृष्टि में और दुनिया में अनेक समाधान है, कोई एक नहीं है, ये फैक्ट को समझना होगा। शुरुआत की जो सिविलाइजेशन की ओर जाए तो वो सिविलाइजेशन किस तरह की रही है, उसका नेचर के साथ में किस तरह का संबंध रहा? देखिए जहाँ हमको इंसान की उत्पत्ति हुई है, इंसान की उत्क्रांति, उत्पत्ति बोलने से ज़्यादा उत्क्रांति अप्रोप्रिएट रहेगा, इवोल्यूशन किया जा रहा है, कितना इसका रोल अभी समझ में। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन इंटेलिजेंट हो जाएगी, उसका जो है कोड ही इस तरह से डेवलप किया जा रहा है उसकी, और मशीन को ये सिखाया जा रहा है कि खुद के जैसे इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है वैसा उसका कोड लिखकर और उसका लैंग्वेज लर्निंग से जो है मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, ताकि इंसान जो बुद्धि से काम करता है उससे कई गुना ज़्यादा ये मशीन जो है वो काम करेगी।